नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। खबर दंतेवाड़ा से है। जिला कलेक्टर दंतेवाड़ा द्वारा प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को ज्ञापन में अपनी मांगों का उल्लेख करते हुए स्थानीय दुर्गा मंडप आवरा भाटा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका धरने पर हैं। जिला अध्यक्ष श्रीमती किरण नाग ने बताया कि सरकारें आते रहती हैं और जाते रहती हैं, लेकिन हमारे मांगों के विषय में आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। कोविड काल में जान जोखिम में डालकर काम करने के बावजूद हमें सरकार की ओर से कोई भी राहत नहीं मिल रही है। उपाध्यक्ष पार्वती नाग, सचिव प्रेमलता नाग, कमेटी अध्यक्ष मीना रेड्डी, मीडिया प्रभारी ज्योति नागेश ने संयुक्त बयान में कहा कि शिक्षा कर्मियों की तरह नीति बनाकर हमें भी सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। सेवानिवृत्त या मृत्यु होने पे कार्यकर्ताओं को 5 लाख, सहायिकाओं को 3 लाख, रिक्त पदों पर बगैर उम्र बंधन के भर्ती, मिनी आबा को पूर्ण आंगनबाड़ी, पोषण केंद्र ऐप या कोई भी मोबाइल संबंधित कार्य नेट चार्ज दिए बगैर ना लिया जाए।